स्वागत है आपका एशिया न्यूज इंडिया में। मैं हूँ कीर्ति सिंह। राज्य के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और खाद्य आपूर्ति एवं वित्त मंत्री श्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने राज्य में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू की गई थी उस पर संतोष जताया है। कल यानी कि सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मंत्रियों के लिए एक वर्चुअल बैठक रखी गई थी, जिसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने कुछ राय दिए और कहा कि 27 मई के बाद जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक लागू की गई थी उसे 27 तारीख के 10 दिन और सप्ताह तक और भी बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण घट रही है, लोग चेन को तोड़ने में सक्षम है, इसलिए इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और भी आगे तक लागू किया जाए। तो देखिए क्या कहा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने। देखिए अभी इस मुद्द बनी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि खत्म नहीं हुआ कोरोना, कोरोना संक्रमण जो है खत्म नहीं हुआ है। तो अगर छूट एकाएक दे दी जाएगी फिर से, तो फिर उसी तरह से भीड़ आ जाएगी और लोग बाग जो कोरोना वायरस का जो COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको पालन नहीं कर पाते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते, मास्क नहीं लगाते, साफ सफाई नहीं रखते, तो फिर बढ़ने का चांस हो जाता है। तो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, अगर हमको है तो और लोगों को हमारे साथ जो रहेंगे सट के रहेंगे उनको हो जाएगा। इसीलिए राय हम लोग की थी, हमारे पार्टी की राय है, खास करके हमने सभी MLA से, अधिकतर TCC प्रेसिडेंट से बात किया और लोगों से, दूसरे पार्टी के लोगों से बात किया, उनकी भी सबकी यह राय है कि इसको बढ़ाया जाए। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन कम होते जा रहा है, जो रेट जो है घट रहा है, अच्छी बात है। इसको और अच्छा किया जाए, बेहतर किया जाए, कम से कम 7 दिन 10 दिन का इसी तरह का जो वर्तमान में जो पाबंदी है ना, उसको बढ़ाने से फायदा हमको। तो देखा आपने, ये थे रामेश्वर उरांव जिन्होंने अपनी बातें रखी सरकार के सामने। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी बातों को अपनाते हैं और ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को और भी आगे बढ़ाया जाता है या फिर नहीं। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।